हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम स्टडी करने वाले हैं फर्स्ट एड इन चोकिंग। चोकिंग मतलब एक बार से हम हिंदी में कह सकते हैं दम घुटना या घुटन होना, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये लेक्चर हिंदी में है। यदि आप इसे इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा, या आप चैनल को विजिट करके डायरेक्ट वहाँ से भी देख सकते हैं। चोकिंग या घुटन क्या है? नॉर्मली चोकिंग या घुटन वो अवस्था है जिसमें सांस रुक जाती है या गले में कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है जिससे बहुत कम मात्रा में या न के बराबर हवा अंदर जा पाती है। इससे क्या होगा? एस्फिक्सिया या श्वास अवरोध हो जाएगा। एस्फिक्सिया एक वो कंडीशन है जिसमें लंग्स में हवा नहीं जा पाती, और उसका कारण क्या है? चोकिंग। चोकिंग क्यों होती है? चोकिंग वयस्कों में चोकिंग होने के कारण है कि नॉर्मली जब भोजन को ठीक से बिना चबाए कोई निगल लेता है, या खाने या पीने के दौरान हंसते हैं या बोलते हैं, बातचीत करते हैं, तो वे घुट सकते हैं, चोकिंग हो सकती है। नॉर्मली ऐसी अवस्था पार्टीज में हम देखते हैं, और कई बार चोकिंग उस समय भी हो सकती है कि जैसे कोई व्यक्ति बेहोश हो और उसे वोमिट आ जाए, वोमिटिंग हो जाए, तो वो जो वोमिटस है वो फेफड़े में जा सकता है, ट्रेकिया में वो वोमिटस अटक सकता है, तो वो कंडीशन भी चोकिंग कहलाएगी। इसके अलावा बच्चों में नॉर्मली चोकिंग हो सकती है कि वो कोई छोटी मोटी चीज वस्तु खिलौना वो मुंह में रख लेते हैं, आदत होती है बच्चों की, तो उस कंडीशन में भी उनका चोकिंग हो सकती है। और खाना खाते समय भी बच्चों में भी चोकिंग हो सकती है यदि वो हंस रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं खाना खाते समय। तो अब यदि चोकिंग हो गई है तो आपको पता कैसे चलेगा, क्या साइन सिम्टम होते हैं? तो एक तो बोलने में असमर्थता होती है, यानी बच्चा या जो बड़ा है उसकी आवाज नहीं निकलेगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, या अगर पार्शियल ब्लॉकिंग है तो सांस लेते समय जोर जोर की आवाजें आएंगी और खांसी वो प्रभावी तरीके से नहीं कर पाएगा, बहुत ही कमजोर सी खांसी उसको आएगी। इसके अलावा गर्दन और मुंह को खुला रखने की एक विशिष्ट मुद्रा होगी। यदि आप चोकिंग वाले पेशेंट को देखेंगे तो आपको इस प्रकार की मुद्रा उसकी दिखेगी। वो बोल नहीं पाएगा, बता नहीं पाएगा क्या है, बट वो इस कंडीशन में आपको दिखाई देगा, तो आपको समझ जाना है कि उसको चोकिंग हो गई है। त्वचा का धीरे धीरे नीला रंग होना शुरू हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिलेगी, और यदि इस कंडीशन को टाइमली फर्स्ट एड दे के ट्रीट नहीं किया गया तो व्यक्ति को बेहोशी भी हो सकती है। तो क्या फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे इन्हें? सबसे पहले पूछेंगे कि क्या आपको घुटन हो रही है, क्या आपको चोकिंग है, क्या आप बोल सकते हैं? ये दो वर्ड आपको पूछने, क्या आप बोल सकते हैं, क्या आप घुटन हो रही है, क्या आपको खांसी कर सकते हैं क्या, तो ये क्वेश्चन आप उनसे पूछेंगे। यदि वो कर सकते हैं तो ठीक है, खांसी आ रही है तो उसको हम और कोई प्राथमिक चिकित्सा नहीं देंगे, खांसी करने के लिए उसको प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि खांसी से वो जो वस्तु गले में अटकी है वो बाहर निकल जाएगी, तो मजबूत खांसी करने के लिए उसे कहेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। अगर व्यक्ति बोल नहीं पा रहा है या उसे खांसी बिल्कुल नहीं आ रही है, सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है या सांस आ भी नहीं रहा है, तो हमें तेजी से मत कार्य करने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में हम दो गतिविधियां कर सकते हैं, पहली है बैक ब्लोज और सेकेंड है एब्डोमिनल थ्रस्ट। अब ये क्या है इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले है बैक ब्लोज। बैक ब्लोज में हम व्यक्ति के पीछे खड़े हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, और दूसरे हाथ से व्यक्ति का जो अपर पार्ट है यानी चेस्ट है उसे सपोर्ट करेंगे, व्यक्ति को थोड़ा सा आगे झुकने के लिए कहेंगे, और इस प्रकार की पोजिशन बना के ये जो हील है इससे हम शोल्डर ब्लेड के बीच में बैक पर ब्लॉक करेंगे। ये कितनी बार करेंगे? ये 5 बार करेंगे। वैसे देखते रहेंगे कि जो वस्तु है वो बाहर आ गई है या नहीं, अगर एक बार में बाहर आ गई है तो बढ़िया है, तो दोबारा नहीं करेंगे, अदरवाइज हम 5 बार तक करते रहेंगे। 5वीं बार के बाद हम फिर से चेक करेंगे, यदि वस्तु बाहर आ गई है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। अब यही कंडीशन यदि बच्चे में हो गई है तो हम चेयर पे बैठकर एक हाथ में बच्चे को सपोर्ट करेंगे और दूसरे हाथ से सेम वही यहां से टैप करेंगे, पर इस समय टैपिंग थोड़ी सी स्लो करेंगे बच्चे की बॉडी के हिसाब से।
यदि इस कंडीशन से इस तरीके से चोकिंग हट जाती है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हमें दूसरे स्टेप पे जाना पड़ेगा। दूसरा स्टेप क्या है? हेमलिक मैन्यूवर। इसमें हम व्यक्ति के पीछे खड़े होते हैं और जो दूसरी जो हमारे हाथ हैं वो कमर से आगे की ओर जाएंगे। हमारी जो मुट्ठी, एक मुट्ठी है, उसको इस हिसाब से बनाना है कि ये अंगूठा अंदर की तरफ और इस प्रकार की हमारी अंगूठी, ये जो मुट्ठी बनेगी, और जो दूसरा हाथ है ये इसको यहाँ से ऊपर से होल्ड करेगा। तो ये पोजीशन हम बनाएंगे, यहाँ पर आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। इसके बाद मुट्ठी को दोनों हाथों से कसकर इस प्रकार पकड़ना है, ठीक है, ये मुट्ठी और ये दूसरा हाथ, और कहाँ पर लगाना है? एम्ब्लाइकस के नीचे, ठीक है। उससे क्या होगा कि जब हम थ्रस्ट देंगे, थ्रस्ट मतलब ऐसे खींचेंगे, तो ये हमें कैसे खींचना है? ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ, ठीक है ना, अपवार्ड एंड बैकवार्ड झटका देना है, तो इसे हम कहते हैं एब्डोमिनल थ्रस्ट। इससे क्या होगा कि जो डायाफ्राम है वो ऊपर जाएगा, चेस्ट कैविटी अंदर जाएगी और हवा तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो अगर जो भी चीज हमारे ट्रेकिया में, गले में अटकी हुई है, वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ये हमें 5 बार तक करना है, बट ये भी ध्यान रखना है कि वो अगर पहले निकल जाए तब तक, एक बार में निकल जाए तो सही है, नहीं तो 5 बार तक हम करेंगे और फिर से चेक करेंगे कि क्या वस्तु बाहर आ गई है। बच्चे की कंडीशन में हम इस प्रकार थोड़ी सी पोजीशन सिटिंग ले लेंगे ताकि उसके लेवल पे हम लोग आ सकें और प्रॉपरली हम एब्डोमिनल थ्रस्ट दे सकें। उसके बाद आता है कि यदि नहीं हो पाया है, एब्डोमिनल थ्रस्ट से भी वो वस्तु बाहर नहीं निकली है, तो क्या करेंगे? तो हम 5 एंड 5 अप्रोच करेंगे, यानी 5 बार ब्लो 5 बार थ्रस्ट 5 बार ब्लो 5 बार थ्रस्ट। ये चलता रहेगा कब तक? जब तक कि वस्तु बाहर ना आ जाए या व्यक्ति बेहोश ना हो जाए। यदि व्यक्ति बेहोश हो गया है तो क्या करेंगे? तो हम डायल करेंगे 112 मेडिकल हेल्प के लिए और CPR शुरू करेंगे, ठीक है। CPR क्या होगा? CPR के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरा दूसरा लेक्चर देख सकते हैं CPR पर, या बेसिक लाइफ सपोर्ट पर, और आई बटन पर क्लिक करें ताकि उस वीडियो का लिंक आपको मिल सके और डायरेक्ट चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही मेडिकल हेल्प आ जाएगी, आप उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल रेफर करें ताकि एडवांस लाइफ सपोर्ट उसको दिया जा सके। धन्यवाद। आप फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं माई स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम के, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। आप अपने नोट्स तैयार करने के लिए ब्लॉगर को विजिट कर सकते हैं, mynursingstudents.blogspot.com, ये भी रेगुलरली अपडेट होता है। आप फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।